हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडमी की तरफ से आने वाला एक सबसे बजट और 5G स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आता है फ़ोन ये। तो अभी हम फर्स्ट आपको ये फ़ोन दिखाते हैं, उसके बारे में इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम बताने वाले हैं आपको। तो फर्स्ट आप इसका लुक देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। ग्लोसी बैक पैनल, आपको ग्लास मिलता है इसमें विद गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 के साथ। फ्रंट में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का ही वर्जन मिलने वाला है। और फोन बिल्कुल ही बॉक्सी डिज़ाइन में है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा में फिर भी अच्छा है फ़ोन, काफ़ी लुकिंग में वेरी स्मार्टफोन। तो अभी हम बात करते हैं इसमें कलर और वेरियंट्स की। तो इसमें तीन वेरिएंट आपको मिलते हैं, 4x128, 6x128 और 8x128, तीन वेरिएंट मिलते हैं। और कलर की बात करें तो ये अपना ब्लू कलर और एक ब्लैक आता है, एक सिल्वर कलर इसमें आता है। तो तीन कलर इसमें अभी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो अभी हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको एक स्नैपड्रैगन का काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, Gen 4 2 प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है, जो कि इस टाइम रेडमी और पोको के फ़ोनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और काफ़ी पावरफुल और बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये बाहर निकल कर आता है प्रोसेसर, काफ़ी अच्छी चीज़ें देता है। और वीडियो में क्वालिटी, सारी चीज़ें, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। इस प्राइस रेंज में बहुत ही सस्ता फ़ोन है, बिल्कुल 11-12 हज़ार रुपये में क्या ही आप लोन लेना चाहोगे। एक टाइप सी पोर्ट भी आपको इसमें मिल रहा है, बस कमी एक चीज़ की, इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, डुओ स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता इसमें आपको, जो कि ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट होता है। बट इस प्राइस रेंज में जितनी चीज़ें ये ब्रांड दे रही है, ये मॉडल दे रहा है, कोई भी फ़ोन में नहीं मिलने वाला है आपको। फर्स्ट तो हम बात कर लेते हैं इसमें डिस्प्ले की। तो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आता है, जो कि 6.78 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले आती है, सिर्फ फुल एचडी प्लस नहीं आती है दोस्तों, पर फिर भी आपको क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त सी मिलने वाली है इसमें। और कैमरा की बात करें तो आपको 50MP और 8MP का दो कैमरे का सेटअप पीछे मिलता है, और 8MP का आपको सेल्फी मिलता है। एक पंचोल डिस्प्ले आपको मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा वीडियो वॉचिंग में आपको ये बहुत ही कम शो होने वाला है, बिल्कुल जाहिर ही नहीं होता है। तो और इसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको 5000mAh की मिलती है, जो कि आपको वन डे बैकअप चाहिए, जितना आप हैवी यूज़ करें आपको निकाल देगा। और 22.5 वाट का एक पावरफुल अडाप्टर मिलता है फास्ट चार्जिंग के साथ। और एक सबसे अच्छी सी बात है, जो कि इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा कर दे रखे हैं कंपनी वाले, उसके बाद इसमें आपको दोस्तों मिलता है एक TPU केस, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुलायम है, आपके फ़ोन को ये स्क्रैच नहीं मारने वाला है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्वालिटी के साथ मार्केट में फ़ोन उतरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा झूम कर बिक रहा है। एक ये हो गया, सेम इसी की क्वालिटी में पोको M6 Pro है, हम उसको भी आपको वीडियो जल्दी ही आपको देने वाले हैं, 1 से 2 दिन में हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे ये वीडियो के बाद। सेम, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, सेम ब्रांड है, बस नाम उसका पोको है, इसका रेडमी है, और सेम सारी एक ही चीज़ें क्वालिटी लेकर दोनों ही फ़ोन मार्केट में आते हैं। और बात करें इस फ़ोन के वेट की, तो जिसमें आपको फ्रंट बैक दोनों ही, फ्रंट में तो आपको जाहिर सी बात है ग्लास ही मिलने वाला है, चाहे जो फ़ोन ले लीजिए, बट आपको इसमें बैक में भी ग्लास मिलता है। तो 199 ग्राम का ये फ़ोन है, जो कि कोई हैवी यूज नहीं लगता है, आप यूज़ करेंगे बिल्कुल कॉम्पैक्ट फ़ोन है, बिल्कुल हैंडी, जो कि पकड़ने में मज़ा आता है। आपको साइड में जो है थोड़ा सा राउंड कर दिए, तो ये आपको पकड़ने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील होता है। तो जिससे आपको वनडे आप चाहे जितना यूज़ करिए गेमिंग वगैरह के लिए, आप चाहे जैसे ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन में। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते चले इस फ़ोन में, तो 1080p पे आप 30fps पे इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि स्टेबलाइजेशन आपको बहुत अच्छी नहीं, बट इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी देगा निकाल कर, और कोई दिक्कत की बात नहीं है इस फ़ोन में। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, लुकिंग भी इसकी बहुत ही हार्ड है, बिल्कुल हार्ड ज़बरदस्त। और अभी हम इसमें सिम स्लॉट्स की बात करते चलें, तो इसमें आप डबल सिम और एक SD कार्ड, ये तीनों ही चीज़ें आप एक साथ इस फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभार, क्योंकि डबल सिम भी वो लगाना चाहते हैं और उसके बाद वो उसमें SD कार्ड नहीं लगा पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, 1 TB तक आपको इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलने वाली है, और जो वेरिएंट हमने आपको बता ही दिया, 128GB आपको सभी वेरिएंट्स में मिल जाएंगे, 8, 6, 4 सभी वेरिएंट में मिल जाएंगे। ये अपना है 4GB 128GB वाला वेरियंट। तो फ़ोन में कुछ इतना ही था दोस्तों, जो कि भी था हमने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।